हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बुक करके देगी और काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। वैसे तो मैं सारी स्ट्रैटेजी जो मेरी होती है वो प्राइस सेक्शन पे बेस्ड आउट होती है, पर ये स्ट्रैटेजी टोटली बेस्ड ऑन एक इंडिकेटर है। काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है पर ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। इवन अगर आप यूट्यूब या फिर अदर रिसोर्सेज जो भी हैं आपके उन पे आप रिसर्च करते हैं या सर्च करते हैं इसके बारे में, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी। इवन मुश्किल से एक या दो ही वीडियोस भी मार्केट में अवेलेबल होंगी जो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में ओवरव्यू दे पाएंगी। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं इस वीडियो को, राइट। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। तो पहला तो ये है कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस इंडिकेटर के। नेगेटिव की बात अगर करें तो सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट्स मुझे दिखता है इस इंडिकेटर के साथ, कि डेली एग्जीक्यूट आपकी ट्रेड को ये नहीं कर पाएगा। ये महीने में 5 से 6 ही या 7 या मैक्सिमम 8 ट्रेड ही सेटअप आप इसमें कर सकते हैं जो कि एग्जीक्यूट होंगे। पर डेफ़िनेटली जो भी ट्रेड्स आपकी एग्जीक्यूट होंगी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देके जाएगी और मिनिमम आपका स्टॉप लॉस इसमें होता है, और वो भी रेयर चांसेस होते हैं कि जिसमें आपका स्टॉप लॉस आपका हिट कर जाए। बहुत अच्छे रिटर्न है। तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आपको पूरा डे बाय डे मुझे आपको दिखाना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको रूल की बात करते हैं। तो मैंने एक एक्सेल ऑलरेडी बना ली है, तो आप इस स्ट्रैटेजी को 3 महीने के डाटा पे बैक टेस्ट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि एक ही वीडियो में मैं 3 महीने का डाटा आपको बैक टेस्ट करके नहीं दिखा सकता हूँ, काफ़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो मैं आपको सिर्फ करंट मंथ का, जो हमारा अक्टूबर 2019 का है, उस पर आपको मैं दिखा दूँगा। तो सबसे पहले मैंने कंसोल ओपन कर लिए हैं। तो अगर ज़रोदा की बात करें तो ज़रोदा में ये इंडिकेटर्स आप सर्च नहीं कर पाएंगे। इवन अगर मैं आपको चार्ट ओपन करके दिखाऊँ क्रूड नवंबर का, तो अगर हम स्टडीज़ में जाके अगर सर्च करें, इंडिकेटर का नाम है मैकगेनली, MC अगर हम करते हैं तो कुछ नहीं आता है, MC करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे मैकगेनली डायनेमिक कोई भी इंडिकेटर नहीं है। तो जिनके पास भी ज़रोदा का कंसोल है वो एक चीज़ कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल में जाके, राइट, जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे पेज को, तो यहाँ जो अपना चार्टिंग जो पैटर्न है वो आप ट्रेडिंग व्यू कर लीजिए, राइट। ट्रेडिंग व्यू जब आप पैटर्न करेंगे तो आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। अब फायर्स का कंसोल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो जैसे कि आप जानते हैं ट्रेडिंग व्यू ही का जो कंसोल है, बेसिकली चार्टिंग जो सिस्टम है वो फायर्स यूज़ करता है, और सेम ही प्लेटफॉर्म जो है वो आपको ज़रोदा भी आपको देता है। तो हम फायर्स के अंदर आ जाते हैं। अब फायर्स के अंदर आप यहाँ से इंडिकेटर आप अगर सर्च करेंगे MC, तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर मैकगेनली डायनेमिक आ गया है। तो आप इसको ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है 14 का इसका पीरियड आता है, 14 डेज़ का। आप सेटिंग्स पे क्लिक करके इसको 12 कर लेंगे, ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी आती है यहाँ से। ओके क्लिक करेंगे, आप देखेंगे एक बीच में लाइन ड्रॉ हो गई है, ये लाइन मैकगेनली लाइन है। और जब भी आप इस अपना कर्सर इस पर स्क्रॉल डाउन राइट या लेफ़्ट करेंगे तो आप देखेंगे मैकगेनली की जो वैल्यूज़ है वो चेंज होती जा रही है, राइट। अब ये सिंपल है, हमें ये सेट करना था, राइट। अब हम अक्टूबर मंथ को स्टार्टिंग से, 1 अक्टूबर से हम अपना यहाँ ले आते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं कि एक्सेल मैंने आप लोगों के लिए बना लिया है ताकि हमारा टाइम बचे। तो कुछ रूल्स की हम बात करेंगे सिंपली, कि बाय और सेल, बेसिकली दो ही चीज़ होती है बाय ट्रेडिंग में, बाय या सेल, ठीक है। अब बाय करना है या सेल करना है, तो अगर बाय कब करना है, तो बाय हमें करना है जब कोई भी ग्रीन कैंडल हो हमारी, कोई भी हमारी ग्रीन अगर कैंडल है और उस ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो बड़ा होगा मैकगेनली डायनेमिक से, तब हमें बाय करना है। और कितना बड़ा होगा, 5 से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब 5 जो का डिफरेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपना कर्सर यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, आपको सिंपली सबसे पहले तो क्या करना है, आपको कहीं वैल्यूज़ नहीं देखनी, जहाँ पर भी कैंडल्स लाइन के पास आके बन रही हैं आपको सिर्फ वहीं चेक करना है। तो अगर हम ग्रीन की बात करें, तो यहाँ पर ग्रीन का अगर हम बात करें कि क्या बाय सिग्नल दे रहा है, तो देखिए इस ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 3899 है और MD वैल्यू जो है वो है 3907। बाय की सिंपल सीधी कंडीशन थी कि बाय की कंडीशन ये है कि जो क्लोजिंग प्राइस है उस कैंडल का, दैट इज़ ग्रेटर देन होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन
मैकगनली डायनेमिक, मिनिमम 5 तो बड़ा होना ही होना चाहिए, 5 से ज़्यादा हम नहीं लेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये तो छोटा है, करंट वैल्यू छोटी है, तो हम नहीं लेंगे। अब मैं दोबारा एक्सेल ओपन करता हूँ, अब देख लीजिए बाय करना है कब, जब बाय वाली कैंडल का, ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एम जी वैल्यू से, और कितना, 5 तक, मैक्सिमम 5 तक, 5 ग्रेटर देन होना चाहिए। यानी कि अगर अगर मैक गैनली डायनेमिक की वैल्यू 4000 है और अगर करंट क्लोजिंग प्राइस जो है वो 4005 है तो चलेगा, 4004 है चलेगा, 3 है चलेगा, 2 है तो बहुत अच्छा है, 1 है तो और भी अच्छा है, मगर अगर 4007 है, 5-6 तक चलेगा, अगर 7 है, 8 है, 4008, 9, 10 तो नहीं चलेगा, 4005 तक चल जाएगा, 6 तक चला लेंगे पर 7 नहीं चलेगा। अब ऐसा ही सेल का, सेल का जो कैंडल बनेगा कोई भी रेड कैंडल फॉर एग्जांपल ये है, इस सॉरी इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, यानी कि ये जो क्लोजिंग प्राइस है वो लोअर देन होना चाहिए किसका, एम डी वैल्यू के, कितना, 5 तक चलेगा। तो ये सिंपल दो चीज़ें ये हैं। तीसरी चीज़ है हमारी कि ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हमें, बेसिकली ऑर्डर जो हमें सेटअप करना है वो, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपका जो ग्रीन कैंडल पे आपका वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है और आपको यहाँ पर एक जो है ट्रेड सेटअप करनी है, तो आप जब ट्रेड बाय सेटअप करेंगे तो जो इसका हाई है, इसका हाई है 3893, तो इसके 2 रुपये ऊपर आप एक ट्रेड सेटअप करेंगे और स्टॉप लॉस जो होगा इसी कैंडल का जो है लोअर, जो है लो पॉइंट जो भी है वो उसका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अब चलो अब हम बैक टेस्ट करते हैं। मैंने बैक टेस्ट में बेसिकली यहाँ पूरा कर दिया है शीट के ऊपर। इस महीने में देखिए आप 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 5 ही ट्रेड सेटअप हमने की थी और 5 ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट हो गई हैं। मतलब सेटअप तो आपने ज़्यादा की होंगी पर एग्जीक्यूट ही नहीं हुई होंगी, बस ये ट्रेड जो है हमारी एग्जीक्यूट हो गई थी, तो इस पे ओवरऑल हमें 396 पॉइंट्स का प्रॉफिट है, दैट इज़ इक्वलेंट टू 39,600। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, ये आपको, आप कोशिश कीजिएगा कि इसको आप ब्रैकेट ऑर्डर या इसमें भी आप कर सकते हैं, राइट, मगर मैक्सिमम प्रॉफिट को लेने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, राइट, कि कई बार क्या होता है कि जैसे आप रेड कैंडल्स बन रही हैं, फ्लो बन रहा है, तो आपको थोड़ा सा पैटर्न देखना पड़ेगा कि यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस हैं भी नहीं हैं। आप इसके लिए बोलिंजर बैंड का यूज़ कर सकते हैं, हाई लो डिवाइडेड बाय 2 उसकी सेटिंग्स करके और 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम सेट करके, तो वो आपको हेल्प कर देगा कहीं हद तक 90% की रिवर्सल आने के चांसेस हैं, तो ही आप प्रॉफिट को ना बुक कीजिएगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक, या जो भी जो लास्ट टाइम फ्रेम है 10-10:30 बजे तक, आप उसको तब पूरा बुक कीजिए ताकि आपको पूरा प्रॉफिट जो है मिल सके। चलो अब 1 अक्टूबर की अगर हम बात करें बैक टेस्ट की, आप पिछले 2 महीने पर भी इसको बैक टेस्ट कर लीजिएगा ताकि आपको मैक्सिमम जो है इसका रिज़ल्ट निकल के आ जाए कि आपका कितना किस महीने में आ रहा था, राइट। तो अगर 1 अक्टूबर की बात करें तो देखिए ये यहाँ पर नियर बाय आया, तो ये प्राइस इससे कम है ग्रीन का, नहीं ट्रेड सेटअप होगी। यहाँ पर 3892 है, ये भी नहीं हो पाएगी क्योंकि एम डी वैल्यू जो सॉरी इसका करंट प्राइस तो छोटा है मगर जो है 13 का डिफरेंस है, नहीं 5 का ही डिफरेंस चलेगा। यहाँ पर हमने देखा 99, अब देखिए यहाँ पर सॉरी अब देखिए आप यहाँ पर क्या हुआ कि 6 का हो गया डिफरेंस, राइट। अब 6 का डिफरेंस हो गया तो हम जो है डिफरेंस तो 6 का हुआ मगर क्या हुआ, इसमें एम डी वैल्यू बड़ी है और करंट प्राइस स्मॉल है क्योंकि ग्रीन कैंडल है, तो ये उल्टा हो गया। यहाँ पर बड़ा होना चाहिए था करंट प्राइस, एम डी वैल्यू छोटी होनी चाहिए थी, तब हम इसको ऑर्डर लगाते हैं, मगर यहाँ तो नहीं लगेगा। यहाँ पर 87 है, यहाँ पर हमारा 3903 है। अब देखिए क्लोजिंग प्राइस कम है, एम डी वैल्यू ज़्यादा है, ग्रेटर है, रेड कैंडल है, परफेक्ट सिचुएशन। इसके लोअर पे यानी कि 3869 से 2 रुपये कम, राइट, 2 रुपये कम 3867 के ऊपर हम एक ऑर्डर सेटअप करेंगे, ठीक है, ऑर्डर सेटअप करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, अगले कैंडल ने इसका ऑर्डर एग्जीक्यूट, ये ऑर्डर जो है ट्रिगर हुआ ही नहीं, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे इस ऑर्डर को। अब इस पे आ जाइए,
अब आप देखिए, ये भी एक परफेक्ट सिचुएशन बन सकती थी। करंट प्राइस है ग्रीन कैंडल की 3901, एमडी वैल्यू है 3903, मगर एमडी वैल्यू ग्रेटर हो गई, ग्रीन कैंडल है, छोटा होना चाहिए था, नहीं कर पाएंगे। इसमें आ जाइए 3874 रेड कैंडल, करंट प्राइस कम होना चाहिए एमडी वैल्यू से। अब देखिए परफेक्ट सिचुएशन है, थ्री एट सेवन फोर है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, राइट, अराउंड 26 पॉइंट का डिफरेंस हो गया, नहीं करेंगे। मानते हैं कि रैली गई है नीचे, प्राइस नीचे गया है, मगर रूल इज़ रूल, रूल फॉलो करेंगे तभी पैसा बनेगा। मैंने आपको बताया था कि बहुत ईजी है पैसा कमाना, आप मत सोचिए कि ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई, नहीं, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हुई है, आप सिंपली रूल फॉलो कीजिए डेली बेसिस पे, जो रूल है तो रूल है, प्रॉफिट आएगा तो वहीं से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर ये नियर बाय आया है इस लाइन के। अब आप देखिए ग्रीन कैंडल देखिए 3753, अब ये 56, फिर से छोटा हो गया करंट वैल्यू, नहीं लगा सकते हैं ऑर्डर। रेड पे आ जाइए 4015 का डिफरेंस हो गया, नहीं लगा सकते हैं। अब आप इस पे आ जाइए 60 55, अब देखिए आप यहाँ सिचुएशन बनी है ग्रीन कैंडल में, 5 का डिफरेंस है, करंट प्राइस बढ़ा है, अब 60 पे है, 60 हाई पे लगाएंगे हम, 69 70 71 पे एक ऑर्डर हमने यहाँ लगाया बाय का, मगर ट्रिगर ही नहीं हुआ, छोड़ दीजिए, इस पे आ जाइए। अब देखिए 3749, ये है 54, नहीं डिफरेंस, यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो गया, देखिए 5 का डिफरेंस हो गया, 5 का डिफरेंस हो गया, एमडी वैल्यू से छोटा है करंट प्राइस, रेड का परफेक्ट सिचुएशन। अब हमने क्या किया, इसके लोअर पे यानी कि 3740 से दो नीचे 38 पे, इसका जो 38 पे ये इसका लो है 38, ये यहाँ पर एक ऑर्डर लगाया, ये एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होके इसने लो बनाया 3716। अब देखिए आप एक्सेल में 4 तारीख 3747 3716 बनाया, 31 पॉइंट उसने यहाँ पर किए। अब देखिए आप 7 तारीख को आप आ जाइए, 7 तारीख पे आप पहली कैंडल पे जैसे ही आप आएंगे, ठीक है, पहली कैंडल पे जैसे ही आप आएंगे, आप देखेंगे 3756 बाय कैंडल है, करंट प्राइस बढ़ा है एमडी वैल्यू से, कितना बढ़ा है, अराउंड 5 to 6, वही 6 पॉइंट के अराउंड जो है बढ़ा है। आप इसकी हाई वैल्यू पे 57 के दो ऊपर आप बाय करेंगे, और देखिए पूरा रैली ये आपको अराउंड जो है मिल गया है, आप 20 बजे के अराउंड यानी कि 9 बजे के अराउंड आप जो है मोस्टली, मैं आपको टाइम बताऊं, मेरे पास वो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, मैं आप जब उसमें दिखाऊंगा, तो मैं हमेशा क्या करता हूं कि 20, 21 और 22 तीन कैंडल्स का टाइम फ्रेम मैं हमेशा बैक टेस्टिंग में रखता हूं, ताकि मुझे ये पता चल पाए कि कौन सी स्ट्रैटेजी जो है उसकी मैक्सिमम जो मतलब प्रॉफिट देने की कैपेबिलिटी है वो किस टाइम पे है, राइट। तो मुझे जो पसंद है बेसिकली, पर्सनली जो मुझे पसंद है वो 20 21, मतलब बहुत अच्छा है, और जो रिस्क प्लेयर रिस्क टेकर्स हैं बेसिकली, राइट, वो लास्ट तक जा सकते हैं, मगर 20 का मतलब ये होता है कि आपका तकरीबन 8 से 9 बजे की जो कैंडल बनती है उसमें आपको अच्छा खासा जो है ना रिटर्न मिलता है, और आप अगर 20 जो है आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न इसमें भी मिल जाता है, आपकी मर्जी है, आप 19 20 या 21 जो भी कैंडल जो आप बनती हैं, इन तीन कैंडल में से आप हमेशा किसी पे भी, जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो, आपको लगे कि हाँ ये कैंडल बन चुकी है काफ़ी अच्छी, अगर आपको लगता है कि नहीं इससे अगली वाली जो कैंडल है यानी कि 20 वाली कैंडल है वो उससे ऊपर नहीं बन सकती है, तो आप उस केसेस में आप उसको अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, राइट। तो मैंने 20 पे यहाँ पर उसका प्रॉफिट बुक किया 7 तारीख 7 अक्टूबर, तो आप देखेंगे 7 अक्टूबर 3845। अब आगे आप आ जाइए, यहाँ पर देखिए ये करंट 50, देखिए 2 का डिफरेंस है, मगर हम ऑर्डर नहीं लगा पाएंगे क्योंकि एमडी वैल्यू बड़ी है। नेक्स्ट पे आ जाइए 36 है, 14 का डिफरेंस हो गया, नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर भी ज़्यादा का डिफरेंस हो गया, नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते, इस पे आ जाइए। अब देखिए आप परफेक्ट सिचुएशन, करंट प्राइस छोटा है 71, एमडी वैल्यू 73, बहुत नियर बाय है, ऑर्डर लगा देंगे इसके लोअर पे, ऑर्डर लगाया 2 रुपये नीचे, ऑर्डर ट्रिगर हुआ, ट्रिगर होने के बाद आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ बुक करते हैं इसको, या यहाँ भी करते हैं या इसके भी लोअर पे करते हैं, आप देखेंगे कि हाई ज़रूर गया है मगर इसने पहले लो बनाया है,
तो आप चाहे यहाँ बुक कर दीजिए, प्रॉफिट यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, आप कहीं भी आप सॉरी जो है ना प्रॉफिट बुक आप कर सकते हैं। तो मैंने ये एक्सेल में कर दिया है। अब आप यहाँ देखेंगे 73 ये नहीं होगा, इस पे आ जाइए 29 है नहीं होगा, सॉरी इस पे आ जाइए 27 नहीं, बहुत डिफरेंस हो गया। यहाँ देखिए 16:20 तो ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वैल्यू ठीक सॉरी वैल्यू एमडी वैल्यू ज़्यादा है तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 24 ये भी नहीं होगा, यहाँ आ जाइए 14:12 नहीं, रेड है एमडी वैल्यू छोटी हो गई नहीं, 98 नहीं हो सकता, यहाँ आ जाइए 97 97, देखिए अब ग्रीन है, दोनों 97 97 है, मगर एमडी वैल्यू फिर भी बड़ी है पॉइंट के बाद, इसीलिए यहाँ पर हम ऑर्डर कोई भी सेटअप नहीं करेंगे। 69 है, बहुत डिफरेंस हो गया, यहाँ देखिए 93, अब देखिए यहाँ 93 है 94 है, आप देखिए रैली तो गई है ऊपर, रैली ऊपर गई है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, मगर सिर्फ एक पॉइंट के डिफरेंस की वजह से हम इसको नहीं लगाएंगे। रूल तो रूल है, रूल है तो सब कुछ है। वापस आ जाइए, यहाँ देखते हैं 81 नहीं, काफ़ी डिफरेंस हो गया, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ देखते हैं 70 नहीं, यहाँ देखते हैं, देखिए अब यहाँ एक और पोजीशन बनी है, यहाँ 3789 बड़ी है एमडी वैल्यू से, कितना तकरीबन 6 पॉइंट, हम 2 पॉइंट ऊपर बाय करेंगे और देखिए पूरा इसने हमें रैली दी है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप इसके अंदर अगर CNC जो होता है कैरी फॉरवर्ड वाला, कि आप बाय करके आप उसको नेक्स्ट डे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो मैकगेनली डायनेमिक में ये है कि आपको बहुत बार लास्ट कैंडल में भी आपको पोजीशंस मिल जाती हैं, तो नेक्स्ट डे भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके आगे जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट उसमें मिलता है। अब आप आगे आ जाइए, इसमें देखिए 19:27 नहीं बात बनेगी, यहाँ आ जाइए देखिए यहाँ पे एक अच्छी सिचुएशन बन रही है, 3803 3806 परफेक्ट सिचुएशन, रेड है, करंट वैल्यू छोटी है एमडी वैल्यू से, इसके 2 रुपये नीचे लगाएंगे हम तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। इसने हमें तकरीबन कितना दे दिया होगा, इसका लो है 3800 है, ठीक है, इसका लो 93 तकरीबन 10 पॉइंट, अगर और भी यहाँ जाएँ तो हम 10-15 पॉइंट यहाँ पर हमें मिले हैं, पर ये शायद मैंने मेंशन नहीं किया 22 तारीख का इधर, हाँ 22 तारीख का मैंने एन ए ही किया है, मैंने इसको नहीं लिया है। अब 23 तारीख पर आ जाइए, यहाँ 3832 है, यहाँ 35 है, आप देखिए परफेक्ट सिचुएशन राइट, 3832 एमडी वैल्यू बड़ी है, यहाँ पर हम इसके लोअर के नीचे 2 रुपये करके लगाएंगे, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब इस पे आ जाइए, ये भी परफेक्ट सिचुएशन नहीं है क्योंकि ये 35 तो है मगर एमडी वैल्यू पॉइंट के बाद बड़ी है, ऑर्डर नहीं लगेगा। अगली कैंडल पे आ जाइए, ये 36 है, यहाँ 35 है, परफेक्ट सिचुएशन है, 3836 3835, अब हम इसके हाई पे यानी कि हाई है 3839 से हम ऊपर कम से कम 2 रुपये हम ऊपर लगाएंगे, यानी कि 39 40 और 41 41 पे हमने एक ऑर्डर जो है ना अपना लगाया, ऑर्डर लगाया हमने, ठीक है, ऑर्डर लगाने के बाद नेक्स्ट कैंडल देखिए, नेक्स्ट कैंडल पे 41 पे आया, मगर जैसे कि आपको पता है कि 41 पे ये मैक्सिमम इसका जो है 41 पे गया तो है, मगर ऑर्डर हमेशा तभी एग्जीक्यूट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपका लगाया हुआ ऑर्डर से 1 रुपया प्राइस ऊपर गया हो, तभी आपके जो पीछे के जो ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता तो भी आपको जो है अच्छी खासी जो है रैली मिल गई, और पर मेरा हमेशा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 4000 पे आपने ऑर्डर लगाया, अगर 4000 करंट प्राइस चल रहा है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ होता तो ये प्राइस 3842 होता, क्योंकि अगर 41 के सारे ऑर्डर्स
अगर एग्जीक्यूट हो चुके होते तो ऑटोमेटिकली प्राइस 42 को एक बार जरूर कुछ सेकंड के लिए ही टच करता मगर करता। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, राइट, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ही नहीं क्योंकि 41 पे हमारा लगता और 41 पे ही ये इसने इसको ब्रेक नहीं किया। अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता तो भी हमें काफ़ी अच्छा रैली मिल जाती, मगर हम फिर नेक्स्ट इस पे आएंगे, फिर हम इस पे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर और परफेक्ट सिचुएशन फिर से हमें मिली है कि 38 अगर इस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता तब भी हमें अच्छी खासी रैली मिलती, राइट, और अच्छी खासी रैली मिलती। और क्या होता, देखिए आपका ऑर्डर मान लीजिए एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, एग्जीक्यूट इसी कैंडल पे, आपने यहाँ पर जो है 39 था, आपने 41 पे ऑर्डर लगाया, ये एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। एग्जीक्यूट होने के बाद इसने जो है यहाँ पर मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट भी कर दिया, 10 पॉइंट का मान लीजिए इसने, इस कैंडल ने आके इसको हिट भी कर दिया, तो आप इस कैंडल के हाई पे इस कैंडल की सिचुएशन देखेंगे, राइट, इस कैंडल की सिचुएशन देखेंगे। ये तब है अगर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया तो, जो मैं आपको बता रहा हूँ 41 पे अगर एग्जीक्यूट हो गया तो क्या सिचुएशन बन रही है। यहाँ पर इसने स्टॉप लॉस इसका हिट किया, कितने पॉइंट का हिट कर दिया, 41 यानी 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट आपके गए। मगर आपने नेक्स्ट कैंडल जैसी बनी आपकी, आपने क्या किया, 36 यानी कि 4 पॉइंट ऊपर, परफेक्ट सिचुएशन, 41 42 यानी कि 42 हाई था इसका, तो 2 रुपये ऊपर यानी 44 पे आपने एक बाय ऑर्डर लगाया और स्टॉप लॉस इसका इसी के जो लो था वो। अब देखिए कैंडल गई ऊपर, गई पूरा, इसने पूरा जो है आपको पूरा रैली दी है। आप इसको अगर यहाँ पर एंड करना चाहते हैं सेम डे पे, यहाँ पर जो लास्ट कैंडल बनी है इस पे भी आप इसको कर सकते थे, और अगर आपको कैरी फॉरवर्ड इसको करना था तो पूरा आराम से ही आपको नेक्स्ट डे भी आराम से आपको पूरा ये लंबी रैली इसने दी जो मैंने आपको कहा था। ये आज 25th अक्टूबर है, तो एक बार इसने इसको यहाँ टच किया 55-63 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस है तो नहीं कर सकते हैं। फिर इस अगली कैंडल पे अगर हम बात करें तो भी नहीं बन सकती सिचुएशन। तो बैक टेस्टिंग जो हमारी फिनिश हो गई है, अब हम इसकी बात करेंगे कि क्या रिज़ल्ट है। तो वही जिससे फ्रेंड्स मैंने बताया 23 को आपको 172 पॉइंट्स आए हैं, 81 पॉइंट्स, 25 पॉइंट्स, 87 पॉइंट्स, 31 पॉइंट्स, और अगर आप उस 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस को अगर आप कैलकुलेट करना चाहें इसी में, मतलब अगर आपका ऑर्डर इनकेस अगर एग्जीक्यूट हो जाता तो इसी में आप 10 रुपये का मतलब माइनस आप कर सकते हैं 162 पॉइंट का, फिर भी आपको प्रॉफिट होता क्योंकि नेक्स्ट कैंडल पे वो इजीली एग्जीक्यूट था। तो ये है मंथ ऑफ अक्टूबर की बैक टेस्टिंग, जिसमें आपको ईजिली 25 तारीख तक जो है आपको ईजिली अराउंड 400 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं, राइट, 400 पॉइंट आपको ईजिली मिल चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई और स्ट्रैटेजी मार्केट में अवेलेबल है जो आपको श्योर शॉट एक भी स्टॉप लॉस हिट हुए बिना आपको अराउंड 300-400 पॉइंट्स अगर आपको दे रही है, राइट, बिल्कुल रिस्क फ्री, राइट, जैसे आपने देखा है कि क्या कोई भी रिस्क नहीं था, सिर्फ एक रिस्क जो था हमारा 10 पॉइंट का वो एग्जीक्यूट, वो भी मतलब हम नहीं कह सकते कि हमारा SL हिट होगा या नहीं होगा, पर अगर हम मान भी लेते हैं तो पूरे ओवरऑल एक मंथ में सिर्फ आपका एक ही SL हिट हुआ है। तो यही रीज़न है कि मैं आपको बोल रहा था कि काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है, क्योंकि मैं इतना इंडिकेटर्स को फेवर नहीं करता, पर फिर भी मैंने इस इंडिकेटर्स के बारे में काफ़ी स्टडी की थी और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे ये इंडिकेटर बहुत अच्छा लगा था। ये रीजंस मैंने आप लोगों को दिखाए ही हैं, है ना। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इंडिकेटर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, या अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं अपनी क्वेरी या कोई जो भी क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूं। अगर बाय सेल में आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो भी आप लिख सकते हैं, या अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है इस चीज़ से रिलेटेड, अगर आप इसमें थोड़ा और एक्सप्लेनेशन या जो भी आपके पास क्वेरीज हैं वो आप बिल्कुल बिना हेजिटेट किए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँ। और जल्द ही एक नई स्ट्रैटेजी के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।